तो फिलहाल अभी हम क्लास 6 में हैं और यहाँ पर हम चैप्टर 1 को आपको पढ़ा करके दिखाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा कह। अब कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि ऐसा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में लिखा है यह, ये इसका मतलब होता है यह। अब ये कैसे आया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एतद का मतलब क्या है, यह, यही ऐसा है ना जो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये जो ऐसा है ये वही वाला ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह पुलिंग के लिए होता है, यूज होता है, और इसका मतलब यह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिंग के लिए यहाँ पर है और इसका मतलब यह है। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपसे सेकेंड सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कह का मतलब क्या होता है, ये जो कह है इसका मतलब क्या होता है। तो नीचे आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह का अर्थ है क्या, कौन, एक वचन, पुलिंग के लिए। कह का मूल शब्द जो है किम है और इसका अर्थ क्या कौन होता है, साथ ही कारक के हिसाब से अर्थ बदलता जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अतः किम के तीनों लिंगों को समझकर याद करना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन के लिए दिया गया है किम, और इसका हम यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि कह का अर्थ है क्या, कौन, एक वचन, पुलिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिंग में है और कौन है, कह है, और एक वचन में है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है, हम और आगे समझने वाले इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऐसा कह, इसका मतलब ऐसा का मतलब यह, कह का मतलब क्या है, ठीक है, लगा दिया हमने प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह है तो वही लगा दिया, यह क्या है। फिर ऐसा चषक, यह चषक का मतलब गिलास होता है, तो गिलास है, ठीक है। उसके बाद किम ऐसा बृहत, क्या ऐसा मतलब यह, बृहत का मतलब बड़ा है, ठीक है, तो क्या यह बड़ा है, न मतलब नहीं, ऐसा मतलब यह, लघु मतलब छोटा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी हम नीचे आते हैं, अभी यहाँ पर फिर से देखिए, इसका मैंने इंग्लिश में यहाँ पर कर दिया है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए ग्लास, इज इट बिग, नो इट्स ए स्मॉल, ठीक है। अभी जिनको बहुत सारे लोग साउथ से भी पढ़ने आते हैं तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती है, इसके लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है सह कह। अब ये जो सह आ गया ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए अब मैं आपको अपना दूसरा मोबाइल यहाँ पर दिखाता हूँ। ऊपर आकर के ग्रामर सेक्शन पर चले जाते हैं हम, तो यहाँ से हम ग्रामर पर क्लिक कर लेते हैं और संस्कृत ग्रामर पर चलते हैं। ये हम आ चुके हैं, यहाँ से हम क्लास 6 पर चलते हैं और यहाँ से हम सर्वनाम शब्द पर चलते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर सह का अर्थ क्या लिखा है, सह का अर्थ है वह, पुलिंग के लिए, सह का मूल शब्द है तत् या तद। तो अब इस मोबाइल में देखेंगे यहाँ पर तद या तद, वह है इसका मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें मिल गया तत् का, ठीक है, तत् या तद दोनों एक ही है और इसका रूप ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि तत् ये मिल गया आपको। अब तत् वाले में खोजेंगे कि क्या यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यहाँ से देख सकते हैं कि सह कह। तो यहाँ पर देखिए सह कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या होता है, वह, इसका मतलब क्या हो गया, वह, ठीक है। तो वह कह का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कह का मतलब कौन, ये ठीक है, यहाँ से आपको दिख गया, तो वह कौन है, ठीक। अभी आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन होगा, कहीं पर कह का मतलब क्या आएगा और कहीं पर कह का मतलब कौन आएगा, जैसे कि वह कौन है, फिर कहीं पर आप देखेंगे इसी में कि वह क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यह क्या है, तो कह का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वही यहाँ पर कह का मतलब कह रहा है कि कौन है, वह कौन है, वह क्या है, यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी आगे आप नीचे देखिए, अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है वह मतलब सह शौचिक, वह एक दर्जी है। अब जहाँ पर भी शौचिक आ गया वहाँ पर हमें एक लगाना होगा, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि ये एक वचन में है, इसका मतलब एक है, ठीक है। जैसे कि बालका हो गया, इसका मतलब एक बालक, तो ये अंडरस्टूड है कि एक आएगा, ठीक है।
सौचिका किम करोती, दर्जी क्या कर रहा है, ठीक है, करोती का मतलब प्रेजेंट टेंस में है, लट लकार में है। अभी ये सब कैसे पता चलेगा, तो अब हम आपको अपना तीसरा मोबाइल निकाल करके दिखाते हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर रहने दीजिए। अब हम आपको मल्टीपल स्क्रीन्स पर इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि ये सब संस्कृत जो है ना, ये गजब का चीज़ है, एकदम पैटर्न में सब कुछ होता है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से हम ग्रामर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से संस्कृत ग्रामर पर क्लिक करेंगे। ये ग्रामर पर आ चुके हैं हम, और यहाँ से हम इस वाले पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि धातु रूपाणी पर हम आ जाते हैं, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ आपको, धातु रूप का ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं, ये है पठती, ठीक है, उसके बाद इधर है पठंती, इस तरह से। ये लट लकार वर्तमान काल में है, तो ये जो वर्तमान काल में है यहीं पर, यहाँ पर करोती लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो करोती लिखा हुआ है, यहाँ से आप मैच करके देखिए कि पठती है, ठीक है। आप अगर कर का क्री का खोजेंगे तो वो भी इस वेबसाइट पर मिलेगा, खोजने से मिलेगा। तो अभी क्लास सिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि टी है और यहाँ पर भी टी है, तो इधर से क्या समझ में आ रहा है कि ये लट लकार में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ से क्या मतलब होता है कि करता है या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया। देखिए फिर नीचे में क्या लिखा है कि सौचिका किम करोती, किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है, न न मतलब नहीं, नहीं सह मतलब वह, वस्त्रम मतलब कपड़े को सिल रहा है, सिवियती, ठीक है। अब वस्त्रम, जैसे वस्त्रम आ गया, तो मैंने वहाँ पर को क्यों लगाया, क्योंकि अब जो ये वस्त्रम है इसके लिए आपको एक चौथा मोबाइल का जरूरत पड़ेगा, वो भी हम लेके आते हैं, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। तो हम इस मोबाइल को यहाँ रखते हैं और एक और चौथा मोबाइल लेकर के आते हैं। मोबाइल तो नहीं है यहाँ पर, हम पीसी पर ही देखेंगे, तो उसी तरह से हम यहाँ पर आ गए संस्कृत ग्रामर में। यहाँ से हम शब्द रूपाणी पर क्लिक कर लेते हैं और इस शब्द रूपाणी पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है कि बालक का है, पुलिंग के लिए है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बालकम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कम लिखा हुआ है लास्ट में, बालकम किस विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में है, और द्वितीय विभक्ति में है इसका मतलब क्या होता है, कर्ता ने, प्रथमा के लिए क्या होगा कर्ता ने, दूसरे के लिए क्या होगा कर्ता ने कर्म को। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप बैक करेंगे, मैं आपको इस मोबाइल में करके दिखाता हूँ। अब इससे ज़्यादा मल्टीपल स्क्रीन तो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको इस मोबाइल में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से बैक करेंगे, कारक पढ़िए, यहाँ से कारक पढ़िए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यही जो है ना, ये शब्द रूप में काम आएगा हर जगह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के किरा रेरी अधिकरण में पर संबंध में हे हो अरे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। जब भी पंचमी में आता है तो पंचमी में अलग होने का बोध होता है और तृतीया में साथ का बोध होता है, के द्वारा होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पंचमी व्यक्ति लगाएंगे, और मैं कलम से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर साथ का बोध हो रहा है तो तृतीय व्यक्ति लगाएंगे, के द्वारा का भी यूज होता है। और द्वितीय का क्या मतलब होता है, को, ज़्यादातर ये देख सकते हैं। तो यही जितना भी शब्द रूप आएगा इसमें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी शब्द रूप आएगा, जैसे कि द्वितीय में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बालकम लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब को। तो सेम टू सेम जो वस्त्रम है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं, इसका मतलब वस्त्र को, अगर वस्त्रम है तो वस्त्र को, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वस्त्रम है ये यहाँ से आपको दिख रहा है, तो ये नपुंसक लिंग में है, तो हम नीचे थोड़ा सा करेंगे, नपुंसक लिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो अगर यहाँ पर वस्त्राणी हो जाता तब क्या होता, वस्त्राणी का मतलब यहाँ से देखिए सेकेंड वाले से क्या हो जाएगा, वस्त्रों को, वस्त्रम है तो वस्त्र को सिल रहा है, वस्त्र को सिल रहा है, कपड़ा को सिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम और नीचे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये इंग्लिश में फिर से उसका मैंने ट्रांसलेट कर दिया ताकि जो लोग साउथ से हैं उनको ये चीज़ें समझ में आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको हिंदी पता नहीं होता है, तो उसके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एतव को। अब एतव का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा मुझे, चलो हाथ उठाओ, मतलब कमेंट में बताओ एतव का मतलब क्या होगा। अब ये एतव कहाँ से आया है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एतव का अर्थ है ये दोनों पुलिंग के लिए, ठीक है, एतव का अर्थ है ये दोनों पुलिंग के लिए। तो और इस मोबाइल को थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं हम, और देखिए क्या लिखा है कि एतव का मूल शब्द है एतद या एतद, ठीक है।
ये चीज आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं, यही वाला है ना मूल शब्द, इसका यही वाला मूल शब्द है, यहाँ से देख सकते हैं यही मूल शब्द है। तो इस मूल शब्द में क्या लिखा है, एतो, एतो ढूंढना पड़ेगा आपको, एतो है कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एतो आ गया, पुलिंग के लिए है, एतो आ चुका है, प्रथमा में है और द्वितीय विभक्ति में है और द्विवचन में, मतलब इस दोनों के लिए यूज हुआ है और द्विवचन में है। ओके, तो ये समझ में आ गया, मतलब ये दोनों, ठीक है, एतद का मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होगा, तो यह होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों, तो ये दोनों कौ, और फिर यहाँ पर कौ आ गया। आप कौ किधर से निकालेंगे, इधर से निकालिए, यहाँ से आ जाइए और यहाँ सर्वनाम शब्द में आ जाइए, सर्वनाम शब्द में आने के बाद यहाँ से कौ का निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं कौ, ध्यान से देखिए कौ लिखा हुआ है ना, हाँ, तो ये हो गया कि ये दोनों कौन है। अब ये एतो और ये कौ, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया, तो इसका स्त्रीलिंग से, जैसे ऐसा का, एते के, यहाँ पर एता का, ठीक है, ये दोनों मैच होना चाहिए टेबल वाइज और आपका सेंटेंस बनना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा देख लो, उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर देखिए टेबल से टेबल मैच होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति के लिए बता रहा हूँ, अभी दूसरे तीसरे पे मत करने लग जाना, ठीक है। एतत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम, एते के, एतानी कानी, ठीक है, ये आपको प्रथमा से प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति के लिए है और इस तरह से टेबल मैच करना है। द्वितीय वाला से आप वाक्य नहीं बनाएंगे, मैंने आपको इस वीडियो के पहले ही वीडियो में बताया है, बहुत पहले ही बताया है कि अभी जो हम वाक्य बना रहे हैं ये कर्तृवाच में बना रहे हैं, ठीक है, तो कर्तृवाच में आपको प्रथमा विभक्ति को रखना है, इस सारे से मत बनाने लग जाइएगा अभी, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा, सारे से अभी नहीं बनाना है, सिर्फ प्रथमा से आपको बनाना है, तो वाक्य यहाँ पर बन रहा है और यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये दोनों कुत्ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एतो सुनको अस्त, इस तरह से, फिर आप देख सकते हैं अभी सुनको लिखा हुआ है, सुनको होना चाहिए था यहाँ पर, एक बार मैं बुक में चेक कर लूंगा इसको, फिर आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर मिस्टेक होगा, सुनको ही होना चाहिए, सुनको ही होगा, सुनको। उसके बाद आगे देखते हैं हम, किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, तो नहीं, एतो उच्च बुक्कतः, नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं, ठीक है। अभी एतो आया है तो बुक्कतः आया है, ये तह किधर से आया, यहाँ पर देखिए, इधर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए इधर क्या दिख रहा है, तह, पटतः, द्विवचन में है और द्विवचन में है, बीच वाले में है, मतलब कि, तो सेम टू सेम, इधर जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आया है एतो, ये एतो भी तो यहाँ से आया है, इधर पुलिंग में देखेंगे तो, पुलिंग में देखिए यहाँ पर एतो द्विवचन में है, तो इधर से क्या आया, पटतः का सेम टू सेम उठा कर लाए हैं, बुक्कतः, बुक्कतः, लास्ट वाला तह, तह मिल रहा है, तो इस तरह से हम मैचिंग करके वाक्य को बनाते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे, जैसे तौ कौ, अब फिर से आ गया तौ कौ, अब इधर से देखो तौ किधर से लाएंगे, तो ये आ गया आपको सह के लिए, आ गया यहाँ से, यहाँ से आपको मिलेगा, ये वह का मतलब हो गया और तौ आया हुआ है, तो यहाँ से वह का, वे दोनों, ठीक है, वह दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, कौ का मतलब कौन है, कौ किधर से आएगा, तो यहाँ से पुलिंग में आ जाइए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कौ, और यहाँ पर तौ, तौ कौ, ठीक है, मिल गया, इस तरह से ये सब बन रहा है, ठीक है, इसी तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पर तौ करसतः, ठीक है, तौ करसतः लिखा हुआ है, तौ किधर से आया, यहाँ से आया तौ, और बीच वाला है तो करसतः, फिर से यहाँ से पटतः जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा द्विवचन में, तो इस तरह से मैचिंग कर करके हम वाक्य को बनाते हैं। ध्यान में ये रखना है कि अभी सिर्फ प्रथमा के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा डिटेल वीडियो के लिए आपको मैं ये वाला वीडियो जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है इसको देख लीजिएगा, तो आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वाक्य को लेकर के। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ एते के, अब एते कहाँ से आया, तो देख सकते हैं एते यहाँ भी है, स्त्रीलिंग में भी है एतत का, एतत के पुलिंग में भी यहाँ पर है एते, और एतत के नपुंसक लिंग में भी यहाँ पर है द्वितीय में एते। तो अब हम इसको लें, मतलब वह, यह तो हो गया, इसका मतलब एतत का मतलब यह, यह दोनों के लिए, तो इस दो वाले को लें कि इसके लिए लें, स्त्रीलिंग में लें कि हम बहुवचन के लिए लें, ये सब के लिए लें, यह सब के लिए लें, तो किसके लिए लें, तो देखना पड़ेगा कि आगे लाइन में क्या है। तो एते स्योताः सन्ति, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुवचन है, स्योताः, ठीक है, जब स्योताः बहुवचन है ये वाला,
अब ये किधर से आया, तो बालकौ बालका उसी तरह से ये आया है। तो ये जब बहुवचन में है, संति भी बहुवचन में है, तो इसका मतलब कि पुलिंग के लिए ही ये आया है। यहाँ पर एते दिख रहा है आपको पुलिंग के लिए, तो जब ये बहुवचन है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आया हुआ इसका आंसर। उसके बाद लिखा हुआ किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। एते यहाँ से आया, हरित वर्णा पुलिंग के लिए ही आया है, वर्णा है मतलब बहुवचन है। उसी तरह से नील वर्णा नीले रंग के हैं, संति आया है। एते यहाँ से आया है, संति कहाँ से आया है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, इस मोबाइल में देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, संति के लिए आपको अगर निकालना है तो बैक करिएगा, अस का आपको धातु रूप निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्लास 7 में आ जाइए, क्लास 8 में आ जाइए, खोजेंगे। यहाँ से क्लास 7 में आ जाते हैं, धातु रूप में आ जाते हैं, और यहाँ से हम देखेंगे क्या इसमें अस के लिए है कि नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अस है ये यहाँ से अस्ति अस्त संति, ये संति यहाँ से आया, बहुवचन में है, लट लकार में है, देख सकते हैं वर्तमान काल में है, तो ये यहाँ से आया है और वही ये यहाँ पर संति लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसी तरह से आपको ग्रामर की चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं इस चैनल पर। तो कौन सा चैनल है आपको तो पता ही होगा, चैनल का नाम क्या है, मेकटॉस संस्कृत। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ऐसे करके यूट्यूब में जब आप लिखेंगे मेकटॉस संस्कृत तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वाला चैनल, और यहाँ पर से आप आकर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।